नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मोहन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्य, उसके अंतर्गत हम कवि भूषण जी के द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप शीर्षक से अवतरित जो पद है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस पाठ का अंतिम पद है आज, इसीलिए केवल मैंने अंतिम पद को ही लिया है, उसके बाद में अगले कवि मतीराम जी के पदों को हम लेंगे, तो आज ये पाठ आपका पूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो कवि भूषण जी के पद छत्रसाल प्रताप, क्योंकि भूषण कवि आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आश्रय में भी रहे और छत्रसाल महाराज जी के आश्रय में भी रहे, तो छत्रसाल महाराज जी के आश्रय में रहने के कारण भूषण कवि जी ने छत्रसाल महाराज जी की वीरता, उनके पराक्रम, शौर्य, दानशीलता, यश का उन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है अंतिम वो हम लेते हैं आज। ठीक है, कि निकसत म्यान ते मयूके पर ले भानु, निकसत म्यान ते मयूके पर ले भानु, कैसी फारे तम तो मैं से गयंद के जाल को, कि लागती लपके कंठ बेरिन के नागिनी से, रुद्र हीरि जावे दे दे मुंडने की माल को, कि लाल चिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कि लाल चिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लोभ खान करो तेरी करवाल को, कि प्रति भट कटे कंटीले के ते काटे काटे, काली काशी किले की कले उदेती काल को, काली काशी किले की कले उदेती काल को। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भूषण कवि जी ने छत्रसाल महाराज जी की जो वीरता और उनका जो पराक्रम है, उसके साथ साथ उनकी जो तलवार है वो किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जब वो तलवार का संचालन करते हैं शत्रु सेना के, उसका वर्णन है वो किया गया है, और उसका कई उपमानों के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है कि वह तलवार युद्ध क्षेत्र में काफ़ी विनाश कर देती है। अर्थात जब छत्रसाल महाराज शत्रु सेना पर चढ़ाई करते हैं और युद्ध क्षेत्र में जब अपनी म्यान से जब तलवार निकालते हैं और उस तलवार के द्वारा वो इस प्रकार से तलवार का संचालन करते हैं, कल भी हमने पद में पढ़ा कि जब वो तलवार, उनकी तलवार कैसे चमकती है, उस भादवा की उड़ती हुई धूल जो घटा है उसके जिस प्रकार से बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार से उनकी जो बर्छी या तलवार है वो शत्रु सेना में युद्ध क्षेत्र में चमकती है। तो इसी प्रकार का वर्णन या भाव यहाँ पर है कि जब उनकी तलवार म्यान से बाहर निकलती है तब उस समय भयानक है, वो जो है विनाश है वो शत्रु सेना का कर देती है। तो इस प्रकार से छत्रसाल महाराज जी की यहाँ पर उनके पराक्रम के साथ, उनके जो तलवार है, उनके अस्त्र शस्त्र संचालन है, उसका वर्णन इसमें किया गया है, और ख़ास तौर से उनकी बर्छी और तलवार का वर्णन है वो भूषण कवि ने अपने पदों में किया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से अपनी तलवार के बारे में यहाँ पर उनकी वर्णन है वो किया। देखिए पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं, निकसत का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों निकलते हैं, निकलती है, म्यान का अर्थ म्यान जो उसका तलवार का खोल है, ते मने से, म्यूखे का अर्थ होता है सूर्य की प्रखर किरणें, सूर्य की प्रखर किरणें, ठीक है, और परले भानु का अर्थ होता है परलेकारी भानु मने सूर्य, परलेकारी, परले मने परलेकारी, परले लाने वाला, कयामत लाने वाला, भानु मने सूर्य, तो परलेकारी सूर्य हो गया अर्थ इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है वो किया गया है। और कैसी फारे, फारे मने फाड़ती है, चीरती है, फाड़ देती है या चीर देती है। तम तोम का मतलब अंधकार के समूह को, तम मन अंधकार,
अंधकार के तोम मने समूह है, झुंड अंधकार के समूह को। गयंदन का मतलब होता है हाथियों, गयंदन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों हाथियों, हाथियों के जाल को यानी समूह को, हाथियों के जाल समूह को वो फाड़ डालती है, चीर डालती है। देखिए आगे अर्थ हम करेंगे। लागती का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों लगती है। लपक की मने लपक करके, शीघ्रता से लपक कर। कंठ मने कंठों में या उनके गलों पर प्रहार करती है। बेरिन का अर्थ होता है शत्रुओं, शत्रुओं के गले पर प्रहार करती है, कंठों पर प्रहार करती है। किस प्रकार से नागिन सी, उपमा देखिए यहाँ पर, उनकी तलवार को किसकी उपमा दी है, नागिन सी। शत्रु सेना पर वो काली नागिन की तरह, सर्पिणी की तरह उनकी जो तलवार है वो शत्रुओं पर प्रहार करती है, तो नागिन के समान, सर्पिणी के समान। सी का अर्थ समान तरह। रुद्र ही यानी क्रोध के देवता, क्रोध के देवता रुद्र, उनको रिझावे मने प्रसन्न करती है, प्रसन्न करती है, खुश करती है। दे दे मने दे दे कर, दे दे कर। मुंडन मने मुंडों की, माल मने माला। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। लाल छितिपाल मन धरती के रक्षक, छिति मन धरती, पाल मन रक्षक, तो धरती के रक्षक पुत्र, लाल का अर्थ हो गया पुत्र। हे रिया राय चंपति के पुत्र, धरती के रक्षा करने वाले छत्रसाल महाराज, आप महाबाहुबली हो, बलवान हो, पराक्रमी हो, वीर हो, ये इसका अर्थ हो गया। महाबाहु हो, बहुत लंबी लंबी आपकी भुजाएं हैं, ताकतवर भुजाएं हैं। यहाँ पर छत्रसाल महाराज आइए, छत्रसाल महाराज आपकी अत्यधिक विशाल भुजाएं हैं और आपका भुजाओं में अत्यधिक बल और पराक्रम है। कहाँ लो का अर्थ होता है कहाँ तक, प्यारे विद्यार्थियों लो का अर्थ होता है तक। बखान मन वर्णन करें, कहाँ तक वर्णन करूं, करिए करें आपके तलवार की, तेरी कर वाल की, तेरी मन आपकी, आपकी यहाँ पर आपकी के, क्योंकि वो राजा है इसलिए यहाँ पर तेरी शब्द का अर्थ होता है आपके, वैसे तेरी मन तुम्हारी, तो यहाँ पर करवाल का अर्थ हो गया है तलवार, आपकी तलवार का। कहाँ तक वर्णन करें, प्रतिभट का मतलब बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योद्धा वीर। कटक कंटीले, कांटेस कंटीले, कंटीले कांटों के समान। कहते मैंने अनेक या कितने ही, कितने ही। काटी काटी मैंने काट काट करके, काट कर, काट कर, काट काट करके। कालिकासी, कालिका माता जो कि क्रोध में आती है तब राक्षसों का भक्षण कर जाती है, तो वो कालिका के समान। सी मने समान तरह। किलकी मने किलकारी मारती हुई, चीखती हुई, किलकारी मारती हुई, चित्कार करती हुई जोर से। और कलेव मने कलेवा, यानी एक तरह से प्रातः रास नाश्ता, एक तरह से देती है भोजन, देती है कलेवा, देती है उनको भोजन देती है। ठीक है, देती मने देती है। काल को मने यमराज को, मृत्यु को, यमराज काल मृत्यु को। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ हम देखते हैं। पहले शब्दार्थों को थोड़ा गौर से आप देख लेना चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ आ गए तो व्याख्या करनी एकदम आसान हो जाती है।
फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे प्यारे विद्यार्थियों को मैं वाक्य बोलूं कि जाता है राम बाजार, अगर आपको ये आ गया जाता है राम बाजार, तो आप अपनी सूझबूझ से, आप अपने दिमाग से इसको यूँ तो बना सकते हैं कि राम बाजार जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको शब्दार्थ आ गए तो आप वाक्य रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो शब्दार्थों पर हमेशा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मेरा मानना है कि आप शब्दार्थों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। शब्दार्थ का शब्दकोश आपके अंदर आ गया दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कहीं भी हिंदी साहित्य में मात नहीं कहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखिए निकषत, तो यहाँ पर भूषण कवि प्रसंग में आप लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप शीर्षक से उद्गृत है, और इसमें छत्रसाल महाराज के पराक्रम के साथ साथ उनके तलवार को शत्रु पक्ष के लिए बहुत विनाशक बताया गया है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम वर्णन करते हैं। कवि भूषण जी कहते हैं कि हे छत्रसाल महाराज, जब आपकी तलवार म्यान से निकलती है, निकषत म्यान ते, यानी आपकी तलवार म्यान से जब निकलती है, तो म्यू के परले भानु, यानी परलेकारी सूर्य की किरणों के समान चमकती है। आपकी तलवार किसके समान? परलेकारी सूर्य के समान चमकती है आपकी तलवार। जब कब निकलती है? जब तलवार म्यान से बाहर निकलती है, तब वह परलेकारी सूर्य के समान चमकती है। और जिस प्रकार से सूर्य कैसी मैंने किस प्रकार से फारे मैंने फाड़ती है, चीर देती है तम तोम मैंने अंधकार के समूह को, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को नष्ट कर देती है, उसको चीर देती है, फाड़ देती है, नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है, प्यारे विद्यार्थियों, उसी प्रकार से छत्रसाल महाराज जी की जो तलवार है वो हाथियों गयंदन के जाल को, मैंने हाथियों के जाल या समूह को, हाथियों के झुंड को, जो शत्रु पक्ष के हाथी हैं, उन शत्रु पक्ष के हाथी योद्धाओं को और हाथियों को जो है चीर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है, विनाश कर देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये तलवार की उनकी बड़ाई लिखी जा रही है, तलवार के बारे में उन जो छत्रसाल महाराज जी का जो तलवार का संचालन है युद्ध क्षेत्र में, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से भाई अंधकार का समूह है या अंधकार के समूह को जिस प्रकार से सूर्य की प्रखर किरणें नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से छत्रसाल महाराज जी के तलवार से जो है हाथियों के झुंड नष्ट हो जाते हैं, शत्रु पक्ष के जो हाथी हैं उनके झुंड के झुंड, उनके हाथियों का समूह वो चीर देती है, उनके को फाड़ देती है। देखिए आगे कि लागती लपकी कंठ बेरी निकी नागिन सी, बहुत सुंदर उपमा देखिए भूषण कवि जी ने कहा है, छत्रसाल महाराज आपकी जो तलवार है वो लागती मन लग जाती है, लपकी मन लपक करके कंठ बेरी ने के, यानी शत्रु के कंठ पर इस प्रकार से लग जाती है, कैसे? नागिन के समान, नागिन सी यानी शत्रु सेना के गलों पर इस प्रकार से प्रहार करती है, जिस प्रकार से कोई सर्पिणी जो है कंठ पर लग करके उसका नाश कर देती है, उस प्रकार से ये लपक करके शत्रुओं के कंठ पर लपक करके उनके ऊपर सर्पिणी की समान जो है प्रहार करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हे छत्रसाल महाराज, आपके तलवार जो तलवार है वो बड़े बड़े जो शत्रु है उन शत्रुओं के जो शीश है वो काटने वाली है, उन शत्रुओं के शीश को वो काट देती है, उसको धड़ से अलग कर देती है। ठीक है, उसको धड़ से क्या कर देती है? अलग कर देती है, आपकी ये तलवार धड़ से अलग कर देती है, ये कहना चाहती है। ठीक है, शत्रु सेना के जो सैनिक है उनके धड़ से ये जो है लपक करके उनकी शीश काट देती है तलवार। आगे देखिए, रुद्र ही रिजावे दे दे मुंडनी की माल को, हे छत्रसाल महाराज आपकी तलवार जब आप अस्त्र संचालन या तलवार का संचालन जब करते हो युद्ध क्षेत्र में, तब शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता है, और उस समय क्रोध के देवता रुद्र ही रिजावे दे दे मुंडनी की माल को, कि आपकी तलवार है वो रुद्र के जो क्रोध के देवता रुद्र है
उनको शत्रु सेना के मुंडों की माला को भेंट करके उनको प्रसन्न कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी तलवार है वो शत्रु सेना के मुंड है उतार देती है, उनको उनकी जो हत्या है वो कर देती है, उनको मार देती है, और इस प्रकार से उनकी मुंडों की माला को जो है क्रोध के देवता रुद्र को वो भेंट कर देते हैं, उनको प्रसन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर भयानक वीरता का भाव वर्णन किया गया है। ठीक है, ठीक है ना। रुद्र ही रिजावे दे दे मुंडन की माल को, शत्रु सेना के जो मुंड हैं उन मुंडों की माला को भेंट करती है, किसको, क्रोध के देवता रुद्र को भेंट करके उनको प्रसन्न कर देती है आपकी तलवार। और लाल चित्तीपाल छत्रशाल महाबाहुबली, हे रिया राव चंपति के पुत्र, इस धरती के रक्षक छत्रसाल महाराज, आप अत्यधिक महाबाहु हो, अर्थात आपकी भुजाएं बहुत विशाल है और उन भुजाओं में अत्यधिक बल और पराक्रम है। बली मैंने आप बलवान पराक्रमी और वीर हो, आप महाबाहु हो, और आपकी कहाँ लोभ खान करो तेरी करवाल को। हे छत्रसाल महाराज, आपकी इस तलवार को करवाल, मैंने करवाल किसको कहा, इसमें इनकी तलवार को कहा है करवाल। ठीक है, तो आपकी इस तलवार का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ, कहाँ लोभ खान करूँ तेरी करवाल को, आपकी इस तलवार का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ, यानी आपकी जो तलवार की जो शोभा है, उस तलवार का जो संचालन है वो अवर्णनीय है, अनुपम है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आपकी तलवार अवर्णनीय है। देखिए, प्रतिपट्टी कटे का कटीले कहते काटी काटी, और काली काशी किले की कलेऊ देती काल को। बहुत भयानक वर्णन किया है भूषण कवि जी ने, कहा है कि छे छत्रसाल महाराज, आपकी तलवार है वो बड़े बड़े योद्धाओं को कंटीले कांटों की समान, अनेक या कितने ही जो सैनिक है उनको, जो बड़े बड़े जो योद्धा जो कंटीले कांटों के समान चुभते थे, उनको उन्होंने काट काट करके उनको नष्ट कर दिया। आपकी तलवार ने उन बड़े बड़े योद्धा जो शत्रु सेना के योद्धा थे उनको जो कंटीले कांटों की तरह साफ कर दिया, काट काट करके नष्ट कर दिया। और फिर काली काशी किले की कलेऊ देती काल को, आपकी तलवार कालिका के समान, जो युद्ध क्षेत्र में जो भयानक कालिका माता है उसके समान बड़ा विध्वंस करती है, और कालिका के समान किलकारी मारती हुई यह साक्षात यमराज को, मृत्यु के देवता को जो है कलेऊ देती, मैंने उनको शत्रु सेना के मुंडों का, उनकी उनके शरीर का क्या देती है, कलेवा देती है, कलेवा भेंट करती है, उनको भोजन देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत भयानक विशाल वर्णन है वो किया गया प्यारे विद्यार्थियों, कि कालिका सी किले की, यानी आपकी तलवार कालिका के समान किलकारी मारती हुई यमराज को कलेवा भेंट करती है, उनको भोजन देती है। इस प्रकार से कालिका को प्रसन्न, यमराज को प्रसन्न कर देती है। तो इस बहुत भयानक वर्णन किया गया है, और बढ़ा चढ़ा के अतिशोक्ति का भी इसमें भाव व्यक्त हुआ है। तो छत्रसाल महाराज जी की तलवार और उनके तलवार संचालन का वर्णन वो किया गया है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थी, उसमें लिखोगे महाराज छत्रसाल के जो तलवार का संचालन करना, तलवार संचालन की कुशलता का वर्णन किया गया है। छत्रसाल महाराज जी की तलवार संचालन का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ तलवार को क्या क्या उपमा दी है, नागिन के समान, कालिका के समान। तो इस प्रकार से यहाँ उपमित किया गया है तलवार को, नागिन सर्पिणी और कालिका के समान वर्णित किया गया है। और इसके साथ साथ जो क्रोध के देवता है रुद्र, उनको भी वो मुंडों की माला है वो भेंट करती है, इस प्रकार का भाव इंजित हुआ है। अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास है, उपमा है, रूपक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, सासी आयत उपमा हो गया, मानवीकरण का भी है, प्रकृति मानवी की तरह कार्य करती है, परिकर अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और कवित छंद है, कवित छंद की यति गति उचित है, कवित छंद की यति गति उचित है, ब्रजभाषा है। तो इस प्रकार से ये विशेष वाले बिंदु में आप लिख देंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये आपका पाठ आज पूर्ण हुआ, कवि भूषण जी का छत्रसाल प्रताप शीर्षक से आपके इस पाठ में जितने भी पद थे वो हमने पूर्ण कर लिए आज। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे।
अगले पाठ को लेकर के, ठीक है, अगला पाठ आपका मतीराम जी है, उनका उनके पदों की व्याख्या को हम लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इन व्याख्या को पढ़ते रहिए, इनके नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, शब्दार्थ पर थोड़ा सा ध्यान कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शब्दार्थ पर पकड़ बनाइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।